दोस्ती के जज्बों पर फिर से नफरत गालिब आने लगी। किंग जोंग उन ने जनूबी कोरिया को दुश्मन करार देते हुए तमाम अवासिलाती राबते खत्म करने का ऐलान कर दिया है। शुमाली कोरिया के सरबराह किंग जोंग उन ने जनूबी कोरिया को दुश्मन करार देते हुए तमाम अवासिलाती राबते खत्म करने का ऐलान कर दिया, जिसमें दोनों मुल्कों के रहनुमाओं के दरमियान हॉटलाइन भी शामिल है। कोरोना वायरस के सबब आए पाबंदियों की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान राबता दफ्तर जनवरी में आर्जी तौर पर बंद किया गया था, तहम इस दौरान फोन के जरिए दोनों ममालिक के माबैन राबते जारी थे। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान हॉटलाइन पर रोजाना सुबह 9 से शाम 5 बजे तक फोन कॉल्स की जाती थी, तहम गुज़िश्ता रोज जनूबी कोरिया को सुबह 9 बजे की कॉल का जवाब नहीं दिया गया, तहम बाद में शुमाली कोरिया ने सुपहर को राबता करके अपने फैसले से आगाह किया। शुमाली कोरिया के सरहदी शहर क्यूसोंग में कायम राबते का दफ्तर आज से बंद कर दिया गया। ये दफ्तर 2008 में बातचीत के बाद दोनों ममालिक ने तनाव को कम करने के लिए कायम किया था। गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली कोरिया के सरबराह की बहन किंग जोंग जोंग ने धमकी दी थी कि जब तक जनूबी कोरिया मफरूर ग्रुपों के पंपलेट शुमाली कोरिया में भेजना नहीं रोकता, तब तक वो राबता दफ्तर बंद रखेंगे।